जनता की। क्यों भाई, क्या हो गया आपकी आवाज को? मैं समझ रहा हूं धूप है, मगर ऐसा नहीं चलेगा। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलिए, बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए सभी लोग दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज के विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित जिन्होंने यूटी को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है, ऐसे प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी, भारत सरकार के सम्माननीय गृह सचिव श्रीमान अजय कुमार भल्ला जी, और आज संघ प्रदेश से कोने कोने से आए हुए भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं हेलीकॉप्टर से प्रफुल्ल भाई को बता रहा था, इतनी चिलचिलाती धूप में ऊपर कपड़ा नहीं डाला है, कैसे बैठेंगे लोग? मगर सबसे पहले आपके धैर्य और उत्साह को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, इतनी चिलचिलाती धूप में आप बैठे हैं। भाइयों और बहनों, सबसे पहले आज वीर सावरकर की पुण्यतिथि है, इस मौके पर वीर सावरकर को हृदय से प्रणाम करना चाहता हूं। वीर सावरकर जी ने अपना पूरा जीवन भारत को आजाद करने के लिए और आजादी मिलने के बाद भारत को सच्चा रास्ता दिखाने के लिए जिया है। वीर सावरकर जैसे लोग, ऐसे महापुरुष एक सहस्त्र साल में कदाचित एकाध बार जन्म लेते हैं। मैं वीर सावरकर को बार बार प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, आज यहां हमारे प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में दमन की 10 परियोजना 191 करोड़ रुपए की, दीव की 10 परियोजना 340 करोड़ रुपए की, और दादरा नगर और हवेली की 1916 करोड़ की 33 परियोजनाओं का लोकार्पण या भूमि पूजन हो रहा है। कुल मिलाकर अनेक प्रकार के काम आज यहां पर हो रहे हैं। इसके साथ साथ विशेषकर माताओं बहनों को बधाई देना चाहता हूं, जिनको घर भी मिला है और गैस का चूल्हा भी मिला है। सभी लोग माताओं बहनों के लिए जोर से एक बार ताली बजाओ जरा, आज उनके लिए बड़ा खुशी का दिन है। मित्रों, मैं सारी योजनाओं की डिटेल में नहीं जाना चाहता। वैसे मोदी जी ने 10 साल में इतनी विकास योजनाएं की है कि इसकी सूची पढ़ने जाए तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठानी पड़े, मगर सूची खत्म न हो इतना काम किया है। अब तो समय आ गया है, मार्च से इस देश में चुनाव होगा। लोकतंत्र की जननी भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, वो भारत का चुनाव लगभग 100 करोड़ लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे,
नई सरकार चुनेंगे। और मैं तो आज अपील करने आया हूं, संघ प्रदेश की तीनों सीटें मोदी जी के झोली में डालकर आप 400 पार करा दीजिए। मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर ढेर सारे काम किए हैं, पूरा देश का बच्चा बच्चा जानता है मोदी की गारंटी का मतलब है 100% काम पूरा होने का वादा है। मोदी जी ने 11 करोड़ लोगों को शौचालय देने का काम किया, 11 करोड़ परिवार की माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया, 4 करोड़ लोगों को घर दिया, 13 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया, 60 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देने का काम किया, लगभग 14 करोड़ घरों में पीने का पानी नल से पहुंचाया और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 60 करोड़ गरीबों के जीवन में, दलित आदिवासी पिछड़ा समाज के लोगों के जीवन में, गरीबों के जीवन में सुविधाएं भरने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों और बहनों, कुछ काम तो ऐसे थे जो एक सदी तक नहीं हो ऐसा लगता था। हमने 90 के दशक से इस देश की जनता को वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाएगी। मैं 14 से 19 पार्टी का अध्यक्ष था। ये राहुल बाबा जानते हो ना, राहुल बाबा को भाई जानते हो या नहीं? मुझे ताने लगाते थे, मंदिर वही बनाएंगे तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, आपने जितना रोकना था वो रोक लिया, तिथि छोड़ो, भूमि पूजन भी हो गया और प्राण प्रतिष्ठा भी 22 तारीख को मोदी जी ने कर ली। और आज रामलला अयोध्या में अपने विराट भव्य मंदिर के अंदर शान के साथ विराजमान है। मित्रों, हम 1950 से संघर्ष कर रहे थे कि हम कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर देंगे। कोई विश्वास नहीं करता था, कैसे होगा। हमारे पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी कॉज के लिए, इसी काज के लिए शहीद हो गए। और हम नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और मित्रों, 5 अगस्त 2019 के दिन मोदी जी ने धारा 370 से कश्मीर को मुक्त कराकर हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाने का काम कर दिया। मोदी जी ने इस देश में नक्सलवाद, आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्ति के कगार पर लाने का काम कर दिया है। मोदी जी ने सेना के जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का वादा भी पूरा किया। और इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, विधानसभाओं में और संसद में मातृशक्ति के लिए 33% आरक्षण करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। 3 तलाक को समाप्त किया और देश के अंदर युग परिवर्तनकारी कई सारे लोग काम किए। मित्रों, आज हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं, हमारे सामने 2 विकल्प है, एक और देशभक्ति से ओतप्रोत नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और दूसरी ओर
सात परिवारवादी पार्टियों का ये इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस है। आपको तय करना है देश को दुनिया के पांचवें नंबर का अर्थतंत्र बनाने वाले नरेंद्र मोदी का शासन चाहिए या 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले इंडी अलायंस का शासन। इन लोगों का मकसद क्या है? सोनिया गांधी का मकसद है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, लालू यादव का मकसद है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, उद्धव जी का मकसद है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, स्टालिन साहब का मकसद है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, ममता जी का लक्ष्य है अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना। भाई जो अपने बेटे भतीजे भतीजी दामाद के लिए काम करते हैं वो आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो कर सकते हैं क्या? और जोर से बोलो कर सकते हैं क्या? भारत के गरीब का, भारत की जनता का भला केवल और केवल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मित्रों ये जो जमघट मचा है सामने, ये भ्रष्टाचारियों का जमघट है, परिवारवादियों का जमघट है, ये 2G 3G 4G वाले लोग है। 2G का मतलब टेलीफोन स्कैम नहीं, 2 जनरेशन की पार्टी। 3G का मतलब है 3 जनरेशन की पार्टी, और 4G का मतलब है 4 पीढ़ी 4 जनरेशन वाली पार्टी, और किसी को मौका ही नहीं है। नरेंद्र मोदी एक गरीब माँ के घर पर जन्मे, चाय बेचने वाले का एक गरीब बेटा आज भारत माता को समग्र विश्व में सम्मान दिला रहा है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये परिवारवादी पार्टियां ये नहीं कर सकती। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले कर जिन्होंने अपने घर भरे है वो देश का काम नहीं कर सकता। मित्रों नरेंद्र मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर पहली बार गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का मौका दिया। मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर ओबीसी समाज का, पिछड़ा समाज का सम्मान किया। नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के पंच तीर्थ बनाकर देश के दलितों को गौरवान्वित करने का काम किया। मित्रों आने वाला दशक भारत का दशक है। 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेंगे, विश्व के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था। मोदी जी की तीसरी टर्म में हम बन जाएंगे। 2030 तक $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट का लक्ष्य मोदी जी ने लगाया है। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का खुद का स्पेस सेंटर बनाएंगे। 2036 में हम ओलंपिक होस्ट करेंगे और 2040 में चंद्रमा पर भारत के मनुष्य को तिरंगे के साथ भेजकर हमारा गौरव बढ़ाएंगे और 2047 में एक संपूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाकर भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर हम प्रस्थापित करेंगे। इसके लिए अगले चुनाव में मोदी जी को लाना जरूरी है। मुझे बताओ भाई, मोदी जी ने ढेर सारे काम करे, राम मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, भगवान सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है, पवित्र सेंगोल को संसद में प्रस्तावित किया, उज्जैन में महाकाल लोक बनाया, करतारपुर में करतारपुर कॉरिडोर बनाया और कुपवाड़ा में शारदा पीठ की स्थापना कर कश्मीर के अंदर फिर से सनातन का सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी अभी प्रफुल्ल भाई ने बताया हमारे तीनों क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून अंग्रेजों ने बनाए हुए थे,
वो कानूनों को भी बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और दीव दमन और दादरा नगर हवेली वालों पर मोदी जी की विशेष कृपा है, विशेष कृपा है। जितना काम एक कांग्रेसियों ने 70 साल में नहीं किया, मोदी जी के इशारे पर प्रफुल्ल पटेल ने वो काम ये 5 साल के अंदर पूरा कर यहाँ का पूरा चेहरा बदलने का काम किया है। भाई और बहनों, चिलचिलाती धूप में आप बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ सर पर नारे के बैनर लगाकर बैठे हैं आप, मगर मैं आज आपको जरूर एक बात कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को फिर से एक बार चुनने का मतलब है विकसित भारत की गारंटी। मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाए, विकसित भारत की नींव और उसका राजमार्ग प्रशस्त करने का काम मोदी जी करेंगे। मुझे बताइए भाई, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? अरे जोर से बोले, ऐसे नहीं चलेगा। बनाएंगे क्या? 400 पार कराएंगे क्या? 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को देंगे क्या? मित्रों, मैं यहां से बोलूंगा, अब की बार मोदी सरकार, मेरे साथ बोलिएगा, अब की बार फिर एक बार बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे।